नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर विजय लश्करी सूरत से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। मैं सूरत से हूँ और मैं डेंटिस्ट हूँ और मैंने भारतीय चित्रकला में बहुत सारे चित्रकला के प्रयोग किए हुए हैं। और जैसे केरला म्यूरल पेंटिंग है, ओडिशा पट्टचित्र है, फिर बंगाल पट्टचित्र और मंडला, ये सारी चित्र शैली में मैंने अपने चित्र बनाने की कोशिश की हुई है। मुखोटे आर्ट ग्रुप की तरफ से यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और मुखोटे आर्ट ग्रुप में मुखोटे सारे कलाकारों को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया हुआ है। यहाँ पे मुखोटे आर्ट ग्रुप में आर्ट गैलरी है मुखोटे की, और वुमन आर्टिस्ट एसोसिएशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा मुखोटिया आर्ट फाउंडेशन की तरफ से अभी एक आर्ट चैलेंज का भी प्रावधान किया हुआ है, जिसमें हर 125 कलाकार को एक के बाद एक उनकी कृतियों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। एक बार 125 कंप्लीट होने के बाद हमने बीच में ब्रेक लिया। लास्ट 8 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। दूसरी बार वापस 125 आर्टिस्ट को हमने मौका दिया और अभी तक 250 जितने जो आर्टिस्ट है उनको मौका मिला हुआ है। अभी हम वापस शुरू करने जा रहे हैं अपनी मुखोटे आर्ट चैलेंज। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप खुद भी इनवाइटेड हो, आप खुद भी आमंत्रित हो। उसके आपके अलावा आपके जितने मित्र, जितने आर्टिस्ट मित्र हैं, वो सब आपके साथ अपने अपने चित्र को प्रदर्शित करेंगे अपने मौका आने के ऊपर उपरांत। उसके अलावा हमारा मुखोटे आर्ट कल्चर भी है, जो इसमें ये कल इसके अंदर जो गायक कलाकार है और जो लोकगीत कलाकार है, उन सबको भी एक के बाद एक मौका दिया जाता है। उसके अलावा हम काफी सारे एग्जीबिशंस भी करते हैं। और मुखोटे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका गुजरात में होना कोई मतलब उसका ये नहीं है, जरूरी नहीं है, आप बाहर से भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो उड़ीसा के पट्टचित्र के बारे में है। उड़ीसा के पट्टचित्र करीबन 2000 साल पहले से हमारे भारत में बनते हैं। उसमें एक बहुत ही सुंदर कलाकारी करी है। पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, तो पट्ट चित्र का मतलब होता है पट्टा पे किया हुआ चित्र। ये पूरा वर्ड है संस्कृत में और इसमें सुंदर सुंदर बॉर्डर्स और सुंदर कलाकृतियां और सबसे ज्यादा जो उनके अंग भंग है, जो भी उसके अंदर पात्र होते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर और महीन कारीगरी होती है। इसके लिए बहुत ही सुंदर एक कहानी है, जो कि ये कहानी के साथ ही ये चित्र शैली की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ, जो कि विष्णु के अवतार है, तो उनका वो बलभद्र और सुभद्रा जी तीनों को स्नान कराने के एक ज्येष्ठ महीने में, मतलब कि मई जून में, एक परंपरा है। उस स्नान यात्रा के बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनको ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है। उसके बाद तीनों को एक अलग जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो वही टाइम पे उनको होने के लिए ये तीनों को उनके बदले उनके चित्रों को रखा जाता है। यही चित्र है उड़ीसा की पारंपरिक चित्र शैली। अभी पहले मोहपुत्रा और मोहराना यही जाति के लोग ये चित्र बनाते थे, परंतु अब सारे जो जो आर्टिस्ट अपनी इसमें रुचि रखते हैं वो सब ये बना सकते हैं। इनका एक गांव है पूरा रंगूराजपुर, जो कि ये कारीगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये गांव के अंदर जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे आर्टिस्ट है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये लोग एक दूसरे से, गुरु जी से सीखते हैं और उनके पास रह के सालों तक मेहनत करते हैं और छोटे छोटे बारीक महीम रेखाओं को अपने हाथों से खींचते हैं, उनको
कोई हमारी तरह जो हम भौमितिक जो चीजें इस्तेमाल करते हैं टूल्स, जैसे कि रूलर्स या गोल बनाने के लिए, वो उनके उनको जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने हाथों से ही बनाते हैं। और उसके बाद जो सुंदर अंदर कारीगरी की होती है, जो अंदर जो पूरी बारीक महीन लाइन डाल के उसके बाद उसके अंदर कलर रंग करते हैं, ये रंग तीसरी श्रेणी के बहुत ही सुंदर कलर्स होते हैं, जैसे कि वो कलर वो खुद बनाते हैं अपने हाथों से, और वो पट्ट भी वो लोग अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये जो पूरी विशिष्ट कारीगरी है जो कि उड़ीसा में है, तो इनको थोड़ा जैसे लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने और पहचाने, इसके लिए हमने इस कारीगरी के आर्टिस्ट को इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, जिनका नाम है बावरी बंधु जीना। तो बावरी बंधु जीना जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते। आप कैसे हो? सही हो आप कैसे सही है? बावरी बंधु जी? ठीक है जी। हाँ, आप यहीं पे बैठ के काम करते हो अपना हाँ जी, जी? अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूं? हाँ जी। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है, आप ये जो अपने आर्ट है, जो अपनी पेंटिंग है, वो आप किससे सीखे? अच्छा, रुकिए रुकिए, पहले बात करिए। हाँ, पहले बात करें, एक्चुअली बात आप ये करें, मैं पेंटिंग किससे सीखे आप? किससे ये कहने लगा कि किससे सीखे, बताओ नाम किससे सीखे। बोलिए, किससे सीखा? कौन सीखे? गुरु जगन्नाथ महापात्रो। हाँ, आप ये पेंटिंग किससे सीखे? ये जो आप चित्र बनाते हैं, ये चित्र आप किससे सीखे? गुरु गंगाधर, जो आमर जगन्नाथ महापात्र, जी रघुराजपुर, जी जी तांगटू सीखा है। वहां से सीखा है। तो आप कितने साल सीखे इसको? 20 साल उन्नीस साल? करते कोड़ी को, मैंने 20 20 साल 20 साल तक आप करते रहे इसको आया जी? और जैसे ये 20 साल आप जो साथ में सीखते हो, तो कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? है। 8 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा तक आप ये काम करते हो, और पहले से ही आप हाँ, पट्टे पे बनाते हो या पहले कागज पे बनाते हो? कागज से बनाते हैं पट्टा पेंटिंग, ये जो हमारा कॉटन क्लॉथ पट्टा चित्र। नहीं, पर पहले जब शुरू करते हो, आप जब शिष्य होते हो, जब गुरु जी से सीखते हो, तब आप कागज पे बनाते हो, डायरेक्ट पट्टे पे बनाना शुरू कर देते हो? डायरेक्ट कम डायरेक्ट कम बोलते दोनों का। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो अजीत जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, इनको पूछिए कि पहले से कागज पे बनाते हैं या पहले से पट्टे पे ही बनाना शुरू कर देते हैं? पट्टचित्र ऊपर हो जी। वो बोल रहे हैं कि अभी तो कोई उनको जरूरत नहीं है कि कागज पे बनाना। नहीं, पर जब शुरू करते हैं शिष्य की तरह, तो पहले आप किस चीज पे सीखते हो? आप पहले बनाना कैसे सीखते हो? बनाना तो हमेशा वही हमारा पेपर पेपर में ड्राइंग स्टार्ट होता है। पेपर पे ड्राइंग करते हो? अच्छा, अभी जैसे ये पट्ट बनता है, तो आप थोड़ा विधि उसका बताओगे, कैसे बनता है पूरा उसका स्टेप, और इसमें क्या-क्या चीजें इस्तेमाल होती है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये पोटैटो को कलर काढ़ा कलर काढ़ा पोटैटो को देखा, भूले की पोटैटो को भूले की देखा, पोटे की देखा, दिख जी, रहे आपको? ये इनका पट्ट है, वो देखा ना कैनवास मैंने। है जो हम खुद बनाते हैं, उसका पूरा विधि बहुत ही लंबा और बहुत ही रसप्रद है। आप इनसे सुनिए ये कैसे बनाते हैं। मैं जो जूम करके कैमरा दिखाता हूँ, आप इसका अनुभव जी लेते हो कैमरा, आप देख सकते हो जी इसके अंदर क्या। ये अंदर में जो कॉटन साड़ी दिख रहे,
आपको हाँ कैमरे को मैं जूम किया है, ये पूरा हमारा जो उड़ीसा में जो लेडीज लोग है साड़ी पहनते हैं कॉटन साड़ी, अच्छा अच्छा कॉटन साड़ी को इसमें यूज किया, ओनली कॉटन साड़ी, नो सिंथेटिक ओके और जो मसलिन वगैरह कोई भी नहीं, ओनली कॉटन इज रिक्वायर्ड, कॉटन साड़ी बराबर को ही इसी में यूज किया जाता है ना। तो अच्छा इसमें कॉटन साड़ी हमारा हाँ देखिए दो तीन कॉटन साड़ी को इसको लेयर वाइज नीचे डाला जाता है, और इसके ऊपर में ये व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं आपको, व्हाइट अगर मैं जी जूम कर रहा हूँ, ये जो व्हाइट जी कॉटन है ये जी क्या हाँ है, ये एक स्टोन पाउडर है, चौक इसको पाउडर खड़ी अच्छा पत्थर, स्टोन पाउडर इसको उड़िया लैंग्वेज में बोलते हैं खड़ी पत्थर, खड़ी खड़ी मिट्टी खड़ी खड़ी पत्थर मीन्स ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है, हाँ सॉफ्ट स्टोन को ग्राइंडिंग करके उसका जो उसका ग्राइंडिंग इन द सेंस को उसका जो जो लोग इंडस्ट्री है जो लोग स्टोन वर्क करते हैं उसका जो हाँ वेस्टेज है वो वेस्टेज पाउडर ये लोग पटचित्र वाला ये इसको कैनवास बनाने में यूज होता है, ये वाला व्हाइट पाउडर आता है अच्छा इसके अंदर में ये पाउडर प्लस इसमें एक एडिशन होता है हमारा जो जो इमली का सीड है जो पानी पूरी में यूज होता है कि खट्टा सा पानी पानी पूरी हाँ उसको हाँ बोलते हैं हाँ पानी टेमरिन पूरी में, सीड्स तामरिंड राइट सीड का जो पाउडर है, तो ये स्टोन हाँ पाउडर और तामरिंड सीड पाउडर थोड़ा सा उसका के प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन वो प्रॉपर जी प्रोपोर्शन में ये एक कुकिंग होता है, कुकिंग होने के बाद ये एक एडहेसिव हो जाएगा, एडहेसिव जैसे हाँ आटा में हम रोटी बनाते हैं उसमें पानी डालेंगे तो वो थोड़ा उसको गूंदेंगे तो आटा थोड़ा रोटी बनाने स्टिकी के हो बाद जाता है बराबर वो ये उसको ये सरफेस में ये किया जाता है, समर सीजन में, समर सीजन तो पूरा 12 फीट का पाउडर, कॉटन साड़ी यस लिया उसके ऊपर खड़िया स्टोन और टेमेरिन यस सीड्स का गोंद दोनों मिला के जो यस लिक्विड बनता है अच्छा उसको भिगो के यस रखना पड़ता है क्या? अच्छा कुकिंग करना पड़ता है, मतलब रोसाई कुक रोसाई करना होता पड़ता है हाँ है हाँ जैसे समझ समर गई सीजन मैं उसको कुक करना पड़ता है तो गैस पे लगा वो के एडहेसिव हाँ हो जाएगा, वो जस्ट लाइक एडहेसिव हो सही जाता है, एडहेसिव अच्छा हाँ, ठीक है उसको उसके ऊपर दिया जाता है, एक दोनों तरफ हाँ साड़ी को पहले नीचे डाल दिया सरफेस में है हाँ ना, और ये हाँ समर सीजन में मोस्टली समर सीजन में तैयार किया जाता है, समर सीजन जी में पट्ट सारे आप समर में तैयार कर देते हो क्योंकि ये हाँ सुखाना पड़ता है, पूरा दो हाँ तीन दिन सुखाना पड़ेगा, ये 12 फुट का साड़ी होता है ना, हाँ हाँ स्पेशल हाँ हाँ अगर लेडीज साड़ी जनरली 12 फुट से ऊपर होता है साड़ी, देखिए ये जो कैनवास होता है एक साइड में कम वो जो जी लिक्विड आवाज फट रहा जाता है है आपका एक साइड में, हाँ अभी देखिए आवाज क्लियर है अभी, हाँ अभी ठीक अभी ठीक अभी ठीक अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि अभी ये एक साइड में कम कम पेस्ट किया जाता है, एक साइड में कम हाँ एक साइड में एक ज्यादा, साइड ज्यादा एक एक साइड साइड कम हाँ एक साइड में जिस साइड में काम होगा है हाँ ना उस साइड में थोड़ा बहुत कम दिया जाता है, एक अपोजिट साइड में थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, उसी अच्छा अच्छा ऐसे उल्टा जनरली ज्यादा जनरल जाता होता था है, ठीक जनरल होता है है ना, हाँ तो हाँ हाँ इसीलिए ये हमारा ये जो कपड़ा है ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, कैनवास इसको बोलते हैं अच्छा कैनवास अच्छा बराबर है ना, ये टाइट हो जाता है, तो खाली कपड़ा में काम नहीं हो पाता है, यस ये हो गया कैनवास मेकिंग प्रोसीजर। तो उसके नहीं बाद पर जो ऊपर हमारा जो साइज हाँ 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 बताइए ना जो जो हमारा रिक्वायरमेंट है, कोई आर्टिस्ट छोटा पेंटिंग बनाएगा जैसे ये हाँ पेंटिंग 18 इंच 12 इंच का है, ये एक हाँ हाँ नॉर्मल पेंटिंग के छोटा पेंटिंग कह जाता है, इसके अच्छा बाद एक ठीक है पेंटिंग है अभी बाद में दिखाएंगे, ये रोल में रखा है 3 फुट बाय 2 फुट, हाँ ये वाला हाँ हाँ देखिए हाँ बराबर बाद में देखेंगे, तो ये जो पेंटिंग है ये 3 फुट इससे जैसे कि 5 फुट बाय 3 फुट, तो ऐसा हाँ अपना अपना साइज के हिसाब से पेंटिंग जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा हाँ हम काट देते हैं पूरा लंबा साड़ी से, उतना पर अच्छा कैनवास बनाने के बाद उसको प्रॉपर जितना अच्छा रिक्वायरमेंट है बाहर कैनवास का बनाने के उतना बाद कटिंग करते हो कटिंग करते जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे अच्छा किसी को अच्छा ऐसे अच्छा वाला छोटा वाला पेंटिंग 10 चाहिए तो पूरा इतना बड़ा 12 फुट का साड़ी क्या होगा हाँ हाँ ना, तो इसीलिए उसको ये कट कर बेसिक चीज देते है हो हाँ, जो रिक्वायरमेंट है बायर लोगों का है उसी के हिसाब से हम लोग कटिंग कर देते हैं, अच्छा और वो जो आपका जो कपड़ा कैनवास बनता है उसके ऊपर की सरफेस बहुत ही शाइनिंग और स्मूथ रहती होती है
वो आप कैसे करते हो, उसको पत्थर या कुछ घिस के करते हो क्या? हाँ गिर नहीं, वो पत्थर स्टोन पॉलिशिंग होता है लास्ट में, जब कैनवास तैयार हो हाँ जाते हैं पेंटिंग करने से पहले हमारे ये सरफेस को, ये सरफेस जैसे कि पूरा मक्खन जैसे, लाइक बटर है पूरा मक्खन जैसे हुआ है, हाँ हाँ तो हाँ ये जो बिल्कुल सरफेस को एक स्टोन पकड़ के पूरा ये जो ये कैनवास को बनाने के लिए कुछ लोग आते हैं इधर जो पूरा वीडियोग्राफी करते हैं 1 घंटे का, हाँ स्टेप बाय स्टेप हाँ ग्रेजुअली, अब कैसे तमरिंड शीट पे लगाया, कैसे उसको सुखाया, ये स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियोग्राफी है। कुछ लोग ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये स्टोन पॉलिश होता है। अच्छा, और ये जो कपड़ा आप हाँ लगाते हो, एक ही कपड़ा लगाते हो या दो या तीन लेयर बनाते हो? ये अगर मतलब ये काफी लोगों का व्यू पॉइंट अलग है, कुछ लोग को हाँ थोड़ा कैनवास थोड़ा टाइट चाहिए, ये अच्छा डिपेंड मतलब आर्टिजन से आर्टिजन फर्क, कुछ लोगों को ये जो अच्छा थिकनेस है ये थोड़ा सा हाँ मोटा चाहिए, कुछ लोग बाहर कहते हैं अच्छा कि ये अच्छा तो कैनवास बहुत पतला हो गया ऐसे हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए अच्छा अगर ज्यादा मोटा है तो 3 लेयर देना पड़ता है इसके अंदर, अच्छा और इसको अगर आप ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर लेकिन ज्यादातर जो होता है अगर ज्यादा मोटा होता है होने में क्या होता है, जब ये बड़ा कैनवास होगा और उसका हम ये करेंगे जब लॉन्ग रूट में नेशनली दिल्ली मुंबई गुजरात कहीं भेजेंगे यहाँ बना के, तो इसको जब रोल हाँ होगा ऐसे रोल कर, ऐसे में हाँ रोल करो ऐसे, इसको ऐसे धीरे धीरे रोल करो उधर से, ऐसे रोल करने में जब मैंने धीरे धीरे, हाँ ऐसे ऐसे क्रैक्स हो करके जाएंगे। क्रैक हो जाएगा ज्यादा मोटा होने में। सही 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 बात अभी सही ना बात। जैसे इसको ऐसे अमेरिका लंदन हर कुछ जगह ऑल ओवर वर्ल्ड को हम पाइप में डाल के कोरियर कर सकते हैं अभी, अच्छा, और है ना। ये आप किसी सतह पे रखते हो या फिर इसको माउंट करते हो या चिपकाते हो या सेलो टेप से या कुछ ऐसे ही रख के हाँ करते जी हो? हाँ जी इसको किसी चीज पे चिपकाते हो या फिर ऐसे ही रख के करते हो, सेलो टेप से या किसी चीज से? पट्टे क्या करते हैं, को जो आप रख के ही करते हो नीचे जमीन पे, जैसे इसको किस चिपकाने की या माउंट करने की जरूरत नहीं होती? कोई जरूरत नहीं होते अभी, आओ अभी जैसे कि अभी गुरुजी बैठे, अभी काम हम ही अभी ये अभी अच्छा अभी हो करेंगे, तो कुछ किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ कुछ भी जैसे कि जो जो फाइन आर्ट स्टूडेंट होता है ना, जी, जो बड़े बड़े आर्ट कॉलेज में जैसे कि वो लोग फाइन आर्ट करते हैं, जो हाँ उनका बोर्ड होता है फिक्स करते हैं, है जी वही मैं लेकिन पूछ उसका रही हूँ। हाँ जी, एक जन यहाँ पे कोई ऐसा जरूरत नहीं, नीचे जरूरत नहीं। अच्छा नीचे जमीन पे। ये जी जी आप हाँ इनके जमीन पे, रंगों के बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ रंगों जैसे के बारे में जो बताओ। ओरिसा ओरिसा पट्टचित्र के जो रंग है वो बहुत ही अलग किस्म के हैं। जैसे जी हम जी रंगों को जो बांटते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में बांटते हैं। तो प्रथम जी श्रेणी में जो बेसिक रंग होते हैं जैसे कि लाल, पीला और भूरा, और उसकी मिलावट से जो रंग बनते हैं वो द्वितीय तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो ज्यादातर भारतीय परंपरागत चित्र शैली में तृतीय श्रेणी के, मतलब कि रंगों की मिलावट से बने हुए रंग इस्तेमाल होते हैं, और ज्यादा भड़कीले रंगों का इस्तेमाल का परहेज होता है। भड़कीले रंगों से चित्र की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कोई एक रंग के ऊपर ही हमारा नजर ज्यादा जाता है। तो इसके लिए तृतीय श्रेणी की जो रंग शैली है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जैसे विशेष है। तो ये रंगों के जो मिश्रण है वो कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे अजीत जी से। अजीत जी आप बताइए, आप रंग रंग, ये लोग रंग कैसे बनाते हैं बेसिक कलर, बेसिक जी? परंतु बेसिक कलर उसका जो प्रोसेस कुछ कैसे होता है मुझे ये आप बताइए प्लीज। बेसिक कलर है ना, हाँ, पर बेसिक कलर में जैसे कोई स्टोन इस्तेमाल होता है, जैसे लाल रंग के लिए स्टोन इस्तेमाल, हाँ हिंगोल मैं स्टोन बताता इस्तेमाल होता है। हूँ, मैं बताता हूँ जैसे कि जी हमारा अभी देखिए ये जैसे आपके ये स्टोन पाउडर है ना, ये देखिए हाँ है जी ना, अभी इसको वही हाँ कोकोनट शेल में जो ट्रेडिशनली इसको सब हाँ क्या होता है ना, इसको स्टोन पाउडर और वुड एप्पल ट्री जो कैंथ वेल में आपको कैंथ वेल होता है ना वुड एप्पल, उसका ट्री का हाँ जो हाँ गम है इसमें मिलाया है, हाँ ये जैसे कि अभी हाँ हवा लगेगा तो सूख जाएगा, कल को सूख जाएगा तो ड्राई ड्राई हो जाएगा, ये चारों तरफ ऐसे लगा होता है, इसमें काफी सारे पेंटिंग बन सकता है काफी सारे, हाँ दिख रहे, जी, तो गम तो ये अरेबिक जो ही है या दूसरा गम है कुछ?
हाँ जी अरेबिक गम है या कोई और गम है? नहीं आधे वो उड़ा पोल्ट्री का गम मिलाते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर मिला के हम करते सब तैयार रखते हैं। अच्छा, और ये हाँ जो कोकोनट शेल है इसमें मिक्स करने का क्या वजह है? मतलब ये ये अपने जो हाँ जी हाँ जी मैं बताता ज्यादातर हूँ ना। पारंपरिक चित्र शैली में यही होता है कि कोकोनट शेल में ही मिक्स करते हैं कलर, तो उसका कुछ रीजन? नहीं रीजन तो इसके ऊपर कोई ज्यादा रिसर्च अभी तक नहीं किया गया है। हैं अभी हाँ इवन जैसे जी आप पूछ रहे हैं कि नहीं जनरली देखिए अभी देखिए हमारे जैसे कि ये उड़ीसा हो गया बंगाल हो गया पटचित्र का अभी इजीली आपको मैं अवेलेबल कैमरा है, दिखा इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। सकते नहीं हैं ये देखिए अभी अभी कैमरा दिखा रहा हूँ आपको कोकोनट जी। ट्री देखिए चारों तरफ कोकोनट ट्री हाँ है ना हाँ दिख रहा हाँ है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये जो बिल्कुल कोकोनट बिल्कुल, ट्री हाँ ये बहुत सारे सुंदर इधर कोकोनट कोकोनट का फॉरेस्ट है ना। तो जी पहले जमाने में क्या था ना कोकोनट काफी सारा होता है और ये जो उस टाइम में या तो पित्तल या मिट्टी तो ये क्या होता है ना कोकोनट जो है ये एक नेचुरल होता है और इसके इसके स्टील या पित्तल में अगर ये जो मिक्स करने का ये जो ये है वो अच्छा सा ये नहीं होता है कि आपका आवाज बिगड़ रहा है वापस। अच्छा देखिए देखिए अभी ठीक है हाँ अभी 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 जैसे कि मिक्स कर रहे हैं कोई देखिए अब कैसे हाँ इसका मिक्स करने का तरीका ये कोकोनट सेल पे ही ये अच्छा से हाथ से मिक्स टेम्परेचर होता है। होता हाँ है। हाँ सही ताकि ये है, सरफेस उसका शेप ऐसा जो होता होता है है और सॉफ्टनेस होती है। पर हाँ मैंने और कहीं पे सुना है कि हाँ जैसे जी कोकोनट शेल के अंदर थोड़ा सा कुछ ऑयल निकलता है, जो कोकोनट का और कुछ का ऑयल होता है, उसकी वजह से कलर की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, ऐसा मैंने कहीं सुना हुआ है। तो क्या वो नो सही नो है? नो ऐसा नहीं 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 कुछ ऐसा नहीं। नहीं कोकोनट सेल जो है वो ड्राई ये सारे सूख जाए इसमें ऑयल कहाँ से आएगा। किसको कोई बराबर। जानकारी ना हो वो अलग बात होता है लेकिन जितने तक हमारा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च हाँ कहता हाँ है इसमें ऐसा कोई इसमें ये होता है कि ये इसमें मिक्सअप करने में देखिए वो ड्राई कलर हाँ उसका जितना मिक्स शेप अच्छा करेंगे रहता आप है। देखिए मिक्सअप चल रहा है तो जितना ये सब इसमें एडेसिव बना है तो जितना 10 मिनट 15 मिनट मिक्सअप होगा हाँ तो ये इससे उतना उतना हाँ शाइन लुक आएगा उतना शाइन लुक अच्छा आएगा दिख रहे हैं आपको। तो जी ये अच्छा। इसी है ओके एक हाँ और। हाँ जी, इसको बना के फिर हम लोग क्या करते हैं ना ये जैसे कि डस्ट वगैरह घुस जाते हैं कीड़े कीड़े वगैरह इसमें रेनी सीजन में तो हमें दिक्कत होता है। अभी रेनी सीजन आ गए उड़ीसा में मानसून आने वाला है हाँ तो हम लोग क्या हाँ करते हैं हाँ ना इसको स्टोरेज इसमें स्टोरेज करते हैं। देखिए इस बोतल में अलग अच्छा अलग कलर्स बना अच्छा के स्टोरेज स्टोरेज करते हैं अच्छा स्टोरेज अच्छा 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 हाँ बराबर। बॉटल में स्टोरेज करते हैं ताकि इसमें हम जब काम करेंगे तब भी हमें रेडीमेड वर्क मिलेगा कभी ब्लू चाहिए कभी येलो चाहिए हमेशा हमेशा एक गुरुजी के पास तो सब सब घिसने के लिए कलर बनाने के लिए लोग तो माने असिस्टेंट तो हमेशा नहीं हो पाते ना टाइम टाइम निकल जाता है। अच्छा तो जब जब पेंटिंग करने बैठेंगे तो हमारे पास सारे कलर में होना चाहिए होने चाहिए, बराबर बराबर। होना चाहिए अच्छा इसीलिए अभी अभी अगर 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 एक कलर बनाएंगे एक कलर ऐसे करेंगे तो पेंटिंग ही हो नहीं पाएगा बराबर। तो अच्छा इसीलिए अभी सारे कलर एक रखते हैं। चित्र, हाँ जी 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 हाँ जी, एक चित्र तैयार करने में कितने समय लगता है? मतलब एक चित्र इसको ऐसा नहीं कि जैसे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, वो तो पता है कि हाँ साइज और मैं आपको उसके बारीकी के बारे में, बारीकी की मतलब पर डिपेंड करता है। मैं अगर ये अभी यही काम के लिए के जो हमारा बेसिक एक हमारे जो अतिथि लोग हैं अभी देख रहे हैं हाँ अभी उनके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ जैसे कि अभी ये राधा कृष्ण का ये एक विजुअल अभी बन रहा है अभी हाँ अभी राधा कृष्ण और जी दो गोपियां हैं दो सखी हैं इधर दोनों तरफ तो ये चित्र बनाने में तकरीबन 3 दिन लगता है फिनिशिंग करने में थ्री ओ डेज अच्छा, हाँ थ्री थ्री डेज अभी वो तो एक्सपर्ट के लिए ना, हमारे जैसे तो पता नहीं एक्सपर्ट के महीनों लिए तक लगे रहेंगे। नहीं जी मैं जी बता रहा हूँ कि एक एवरेज नॉर्मल स्टैंडर्ड की पेंटर है जो जी थोड़ा एक्सपर्ट है और देखिए अभी ये जैसे कि अभी जो जो ये कृष्ण जी का ऊपर का उनका जो ये बन हेड बन रहा है ना अभी ये जो अभी बन रहा है तो ये अभी सूखेगा 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा तो जो अच्छा 3 डेज है उसके अंदर में कुछ टाइम जो वेट करना भी पड़ता है अभी ये बनते जाएगा अच्छा अलग ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल भी ही होगा शैली है वो पूरी, उसके ऑर्नामेंट्स भी अलग है पूरे। हाँ जी है अभी लाइव देख रहे हैं आप लाइव डेमो जी, बहुत ही सुंदर।
अच्छा, ये जो रंग है हम जो ऑर्नामेंट्स का है वो कौन सा रंग है, हाँ मतलब जी, कौन ये से आपका स्टोन से वही बना हुआ मिलेगा। रंग है? ये हम लोग को अभी क्या है ना, अभी मार्केट में हमारे लोकल मार्केट में सारे स्टोन पाउडर मिलता है। इसको हाँ, इसको ना, नाली हड़, इसको हमारे उड़िया लैंग्वेज में बोलते हैं नाली हड़दिया, नाली हड़दिया, मतलब नाली इट इज हड़द नॉट दिया। हड़दिया, नाली ओके, हाँ हड़दिया इज उड़िया टर्म, उड़िया टर्म, नाली हड़दिया हाँ मीन्स इट समझ इज गई नॉट, मैं। हाँ इट इज नॉट, ये हड़दिया मीन्स येलो। हाँ तो इंग्लिश में रेड येलो बोल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा, मिनरल कलर है। तो अगर ये हाँ, रेड कलर इसका एक्रिलिक और सिंथेटिक कलर होगा तो इसका लुक जो है वो अलग टाइप आएगा। अभी इसमें पटचित्र का जो मिनरल कलर अभी यूज हो रहा है, अभी ये कलर देखिए, जी ठीक है ना। अच्छा, इसकी शुरुआत अपने चित्र में कैसे करते, सिर्फ बात में बता दीजिए क्योंकि ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अगर जो हाँ जी चित्र बनाते हैं तो वो पेंसिल से या किसी चीज से ड्राइंग करते हैं हाँ जी, या हाँ जी, फिर नहीं मैं पे डायरेक्टली? अच्छा, नहीं, पेंसिल डायरेक्टली से। एवरीथिंग, मैं अभी मतलब मैं इसलिए बताया कि कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, अभी जो भी अवार्ड विनर्स है, वो बेगर एक रॉफ स्केचिंग, जो ज़्यादा एक्सपर्ट है वो मतलब बेगर स्केचिंग तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे उनको एडिटिंग करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ता है तो हाँ स्केचिंग थोड़ा बहुत हल्का रफ स्केचिंग, जिसको अभी देखिए, अभी ये पेड़ है दिख रहे, पेंसिल मार्क पेड़, अभी मैं कैमरा हाँ जूम कर जी रहा हूँ दिख रहे। जी अभी जी इसके बाद जी ये राधा कृष्ण के बाद दोनों तरफ ये पीस में ये होगा क्या नाम, पेड़ होगा आखिर में, लेकिन गुरु जी इसमें पेंसिल में रफ बना दिया कि यहाँ यहाँ पेड़ होगा, बस दैट्स ऑल, बराबर। और पूरा पूरा क्या स्केचिंग करने की जरूरत नहीं। जी, क्या हाँ कलर का स्कीम यही रहता है या कलर का स्कीम बदलता है? जैसे कृष्ण जी का कलर जो ब्लू है, पर हर एक हाँ जी चित्र शैली में अलग अलग ब्लू कलर इस्तेमाल होता है, तो क्या हाँ जी ये चित्र शैली में भी अलग अलग ब्लू इस्तेमाल होता है जो कृष्ण नहीं, जी का रंग है उसकी बात? कृष्ण जी जनरली, कृष्ण जी का कलर होता है यही जनरली, हाँ, पर ये कौन सा कलर है? ये हमारा वो ये स्टोन पाउडर में बोला ना, मिनरल स्टोन पाउडर, हाँ, इसका नाम क्या है आप बताएंगे? इसका नाम उड़िया से कौन पूछेंगे, ठीक है, लाइट ब्लू, लाइट नहीं, ये उड़िया रे हमरा इटा जो पत्थरटा मिनरल पत्थरटा कौन कौन से उड़िया में भी चलेगा, बताइए तो सही। इटा नीला पत्थर, नीला पत्थर, नीला, हाँ नीला, नीला पत्थर, खोंडा नीला, खंडो नीला नीला पत्थर, खंडो पत्थर। खंडो नीला, खंडो खोंडा नीला, ठीक है, नीला, बराबर। ये क्या एक ऐसे ऐसे हमारे मतलब मिनरल मिनरल आता है। हाँ एक कलर आते हैं, हाँ एक कलर तो व्हाइट में से ही एक कलर, एक कलर आते हैं, हाँ ये जैसे पर आप देख रहे हैं अपने, अच्छा, पर ना, खोंडा आर्टिस्ट खोंडा अपने नीला, खुद के रुचि के हिसाब से थोड़ा रंग में फेरबदल कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी गुरु जी इसमें वही इसमें दिखा रहे ऐसा हैं, नहीं कि ये पारंपरिक यही कलर लेना चाहिए, पारंपरिक कलर यही है, जरूर है, पारंपरिक बट कलर, अभी तो पारंपरिक, थोड़ा चेंज लोग कर रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा हाँ बहुत अपने चेंज हिसाब से लोग, चेंज। हाँ 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 नहीं मैं बताया कि चेंज जो है हमारा गेस्ट के या बायर्स के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन अगर कोई पारंपरिक की बात करता है या कोई कंपटीशन होता है या हमारा एग्जामिनेशन होता है उड़ीसा पारंपरिक चित्रकला की, है ना, तो उसमें जी अगर कोई, अगर जो बॉडी कलर जो ड्रेस कोड है, तो उसमें जो हमारे महान महान गुरु जी है जो जो परीक्षा करते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, जो हमारा आर्ट कल्चर अच्छा डिपार्टमेंट है, तो अगर इसका अच्छा एग्जामिनेशन है सारे गुरुओं का, तो वो उनको हाँ आउट ऑफ 100 जो है वो तक जरूरत पड़े तो 70 मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने पारंपरिक नहीं बनाया, कृष्ण तो बनाया लेकिन अच्छा पारंपरिक शैली में नहीं बनाया, अच्छा इसको इसको लाइट अच्छा ग्रे कलर भी बना सकते हैं, लाइट ग्रे भी बना सकते अच्छा हैं, हाँ अच्छा तो अगर तो लेकिन उसमें, इसको, हाँ हाँ, बताइए बताइए। नहीं लेकिन वो पारंपरिक नहीं हुआ, आजकल जो बना लोग जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो हमको ये इसका दूसरा पीस बना के दो, ऐसे ही बना के दो, उनको पारंपरिक बराबर, नॉन पारंपरिक से कोई मतलब नहीं होता। अब अभी हमें क्या है ना, हमें अभी जैसे कि गुरु जी है, हम लोग जो सभी लोग काम करते हैं, हमें तो बाहर के हिसाब से ही काम करने पड़ेगा, दुनिया के तमाम लोग उनका टेस्ट बदल रहा है ना, अगर 5 काम रख हाँ लिया हाँ ऐसा मन, ऐसे सही किसी को, किसी को ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबको ब्लू ही है। पसंद है, हाँ सही किसी है, को लाइट ग्रे सही है, कलर अगर यहाँ दे दे पसंद हो गया,
वो कहते कि मुझे हाँ तो ये काम बहुत सुंदर दिख रहा है, ये कलर चाहिए, तो ये कलर चाहिए, इसका पेंटिंग बना के दो, जितना सही पैसा हम देंगे। तो हम क्या कर? हम कहेंगे नहीं मैडम हमारा ये कलर पारंपरिक नहीं है, तो हमारा वो कहेगा जी आप छोड़ दो, हम दूसरा आर्टिस्ट से बना लेंगे। है। अच्छा, भारतीय परंपरागत शैली की एक विशेषता है कि एक बार पहले एक चित्र बनाने के जो बेसिक चित्र बनाया उसके बाद प्लेन कलर फिलिंग होता है। प्लेन कलर फिलिंग में जो जो जगह पे जो कलर भरना होता है वो बिल्कुल प्लेन बगैर शेडिंग के भर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर उसका जो बारीक काम किया जाता है अलग अलग चित्र शैली में, सब में जो बेसिक है वो यही है। और अच्छा जी जी आप ये बताइए कि जैसे ये अभी हम बना रहे हैं भगवान जी के गहने और राधा जी के भी गहने, ये हाँ जी करने के बाद आप उसको पूरा आउटलाइन और डेकोरेट करोगे, उसका कोई स्पेशल ब्रश होता है क्या? स्पेशल हाँ जो जी हाँ जी हाँ इसके जी हाँ जी ब्रशेस होते हैं हाँ वो यहीं पे उड़ीसा में ही मिलेंगे या ऐसा कुछ? जी हाँ जी एक सेकंड गुरु जी, वो दिखाए ब्रशेस दिखाए क्या मैं ब्रशेस आपको? आप हाँ दिखा सकते हो हमको ऊपर उठा के? ब्रश, नहीं मैं ब्रशेस दिखा रहा हूँ, और आउटलाइन का बस जी 000 बसेस, 000 सेल, जी 000 बस का जो। अच्छा ये हमें 000 000, हाँ ये या डबल जीरो, 000 निकाले, 000। और ये ब्रशेस जो है वो कैसे बनते हैं, मतलब वो कुछ सिंथेटिक हेयर से ही नहीं बनते हैं? सिंथेटिक हेयर नहीं, ये जो स्क्विरल हेयर से, स्क्विरल स्क्विरल हेयर, 00 ट्रिपल हाँ, जीरो हमने क्योंकि ट्रिपल उसकी लचक ज्यादा होती है वो हेयर की, तो वो अच्छे से देखो ये मुड़ता है और छोटी छोटी बारीक रेखाओं और राउंड फिगर्स करने के लिए बहुत ही सुंदर है वो। ये दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ये इनका पारंपरिक ब्रश है, ये 000 ब्रश है। जैसे ही वो पानी में या फिर रंग में जाता है उसका बहुत ही महीन पॉइंट हो जाता है, अभी अभी एक और एक उसके सेकंड बाद जी, एक मिनट आपको, उसके अभी बाद एक उसके मिनट, अंदर जी हाँ मैं अभी ये 000 का ये यूज एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, जी एक जी मिनट के लिए। हाँ एक मिनट, ब्लैक लाइन, एक ब्लैक लाइन, अभी जैसे ऑर्नामेंट हो गए 000 करना है, तो आप हाँ थोड़ा सा थोड़ा हाँ सॉरी थोड़ा बोल जूम रहा करना अजय जी, हूँ, हाँ जो, हाँ जी इसको जी सॉरी थोड़ा जूम घूम करना के आओ ताकि यार। बहुत उसको हमको कुछ हाँ जानने के लिए मिले हाँ मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, जी। अभी 000, तो अभी हमारा ब्लैक लाइन जो इसको बोलते हैं, और उड़िया में इसको सरु कड़ा बोलते हैं, सरु कड़ा, अच्छा, ये काला रंग किस चीज से बनता है? ये चारकोल से, चारकोल चारकोल हमारा से जो स्टोव से है। ज्यादातर, हाँ ज्यादातर पारंपरिक चित्रकला की एक कॉमन चीज है ये कि सारे जो ब्लैक कलर्स हैं वो ज्यादातर चारकोल, मतलब कि जो हम काजल बनाते हैं ना उससे बनता है। हाँ आउटलाइन लाइव चल रहा है, दिख रहा है आपको? जी जी बहुत सुंदर दिख रहा है ये। आउटलाइन करने की एक टेक्निक है कि हमको अपनी सांसों को पूरा रोक के धीरे धीरे करना होता है, और जब भी हम करें तो उसके लिए कुछ भी आवाज ना हो, शांत जगह पे बैठ के करें, ताकि ये जो लाइन है उसका जो रेखांकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये हाथ है, हाथ की मुद्रा है, और हाथ की मुद्राएं भी एक विशेषता है हमारे पारंपरिक चित्रकला शैली की। अच्छा अजीत जी, एक और बात बताइए, ज्यादातर हाँ विषय जी कौन से होते हैं पट्टचित्र के? सबसे ज्यादा तो जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और बलभद्र जी के जो पारंपरिक चित्रकला है, जो जगन्नाथपुरी के जो तीनों मूर्तियां हैं उसके हिसाब से वही पहले सबसे ज्यादा चलता है, बराबर? हाँ जी हाँ जी उसके वो तो सिवाय शुरुआत, हाँ वो हाँ शुरुआत था, जी लेकिन आज प्रेजेंट जो है हमारा रिसर्च कहता है, अभी हाँ जैसे कि मतलब हम लोग जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं आज की डेट में, हम लोग पूरा पिछले पास्ट को तो देखेंगे कहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन अभी अभी जो लाइव जो 2021 का जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है पटचित्र का, हाँ वो मैं हाँ बताता हूँ कि अभी क्या है ना, अलग अलग कम्युनिटी का की जो मैं आवाज नंबर वन आवाज आवाज पटचित्र का, आवाज बिगड़ रही है। हाँ जी मतलब देखिए एक सेकंड आप देखिए, अभी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है।
और जूम करके आप बात करते जाओ, जूम करो वो पेंटिंग को, ताकि हम दोनों चीज का आनंद ले सके, आपकी दी हुई जानकारी का भी और इनकी पेंटिंग का भी। जी आप बताइए। मैं बताया था कि अभी जैसे कि जगन्नाथ को छोड़ के अभी हमारा पुणे बहुत सारे कृष्ण डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी भी आते हैं, है ना? जी तो बीस जी बीस तीस साल 20-30 साल से, और काफी सारा अभी जो पटचित्र पेंटिंग को कृष्ण के जो लाइफ स्टोरी के ऊपर और कृष्ण का जो ऐसे जैसे छोटा छोटा टॉपिक के ऊपर, मतलब जैसे झूला हो गया, रासलीला हो गया, अभी बोईत बंदर हो गया, कृष्ण जी का जमुना विहार, और जो कृष्ण जी का जो माखन चोरी हो गया, तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर ये सब हमारा वर्क आता है ऑर्डर। जैसे तो विष्णु जी का जो उनके भी जो जीवनी है उसके ऊपर भी पेंटिंग बनते हैं पट्टचित्र में, जैसे गजेंद्र मोक्ष एक टॉपिक है जो जिसके ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग बनता है। दूसरा जो एक महाभारत का प्रसंग है जिसमें कि नव गुंजरा जो जिसके अंदर एक शरीर के अंदर 9 प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनका पूरा अंग होते हैं, और वो विष्णु जी का ही अवतार है जिसे जो वो अर्जुन को दिखाई देता है, और वो उनके उनको उसको देख के बहुत ही प्रभावित होके उनका उनके चरण में गिर जाते हैं। तो ये पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर है और बहुत कॉमन है। उसके अलावा गणपति जी के पूरे अलग अलग रूप, जैसे गणपति जी नृत्य करते हुए, गणपति जी बैठे हुए, तो गणपति जी के भी बहुत सारे रूप इस पेंटिंग में दिखाई देते हैं। तो और इसके अलावा जो सबसे सुंदर है वो कंदर्प हाथी करके होता है। कंदर्प हाथी में अलग अलग हाथी के जो अंग होते हैं उसके बदले एक स्त्रियां होती है, और स्त्रियों के शरीर से उसके अलग अलग अंग बनते हैं जो कि बहुत ही अलग प्रकार का प्रभावित कर देने वाला चित्र है। तो ये एक इनके कृति ओरिसा पट्टचित्र की है। इसके बाद तो बहुत सारी परंपरागत चित्र शैली में ये विषय लिए गए, परंतु जो सुंदरता ओरिसा पट्टचित्र के ये पेंटिंग में है, कंदर्प हाथी पेंटिंग में, वो लाना मुश्किल है क्योंकि वही से शुरुआत हुई। और इसके अलावा एक और जो विशिष्टता है वो तलपत्र चित्र। तलपत्र चित्र में अब एक बनाना जो लीव्स होते हैं उसके उसको सुखा के उसके ऊपर, अजीत जी मैं सही बोल रही हूँ ना, बनाना लीव्स ही होते ना, पाम लीव होते हैं, पाम लीव को सुखा के उसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स से वो लोग कार्विंग करते हैं, और वो कार्विंग करके आकृतियां बनाते हैं जो कि बहुत ही महीम और बहुत सुंदर होती है, और कारीगर के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। उसका जो पेंटिंग्स है वो एंग्रेविंग के, तो वो भी हमने आपके लिए रखे हुए हैं, लास्ट में आपको पूरे सारे पेंटिंग हम दिखाएंगे। तो इनका एक अलग ही सुंदरता होती है जो तलपत्र चित्र है। अजीत जी आप तलपत्र चित्र के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, तलपत्र के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कराना चाहूंगा। अच्छा, अभी पटचित्र को मैं सोच रहा था कि और कुछ है तो पटचित्र को लेट अस फिनिश देन, मतलब खत्म करके फिर हमें, अगर पटचित्र खत्म हो जाए फिर हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे, पटचित्र और अदर पामले और अदर। पटचित्र के बारे में आप कुछ और बताना चाहते तो आप प्लीज थोड़ा ऐड कर दीजिए, मुझे जितना पता था मैंने बताया। हाँ, पटचित्र का मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी आर्ट प्रेजेंट में सिचुएशन बता रहा था कि जगन्नाथ जी का कल्चर से ये स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन अभी कृष्ण जी का थीम जैसे बन रहा है, अब गणेश जी का अभी वेस्ट सॉरी हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है जैसे कि मुंबई वगैरह साइड से है, अब काफी लोग गणेशा का जैसे आपने बताया, गणेशा महाविनायक है, और गणेश जी का अलग अलग पोजिशन गणेश जी के ऊपर में, तो ऐसे कुछ लोग सिक्किम साइड से भी गेस्ट लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो वो लोग कहते हैं कि हम अगर कृष्णा जी राधा जी आप बना रहे हैं जगन्नाथ जी से शुरू किया और तो बुद्धिज्म नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारा ऊपर बुद्धिज्म का ऊपर में भी पटचित्र बनता है,
अच्छा तो इसीलिए अच्छा क्या पटचित्र बात है। तो यही भारत देश की विशेषता है ना, विविधता में एकता जो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारा रिलीजन बेस्ड नहीं है, कोई धर्म के बेस्ड नहीं है। पटचित्र जी मीन्स ये जो स्टाइल है पटचित्र स्टाइल, अगर किसी का कोई अपना कल्चर है, कोई अपना धर्म है, तो वो हमें मेल कर सकता है, व्हाट्सएप में भेज सकता है कि इसको पटचित्र स्टाइल में बनाना है। तो लोग अपना जो चीजें अपना थीम देते हैं कि वो मतलब हम जो है इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पटचित्र स्टाइल में, तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा अच्छा, तो कोई ऐसा नहीं कि वही तो मीन्स कि आर्टिस्ट मैं होता है ना कि आप कोई भी विषय दो उसके ऊपर वो पेंटिंग बना के दे। अच्छा, अभी अपने तालपत्र चित्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि विषय बहुत सारे हैं और हाँ मुझे जी करेंगे, हमको बहुत सारी चीजें जाननी है ओडिशा पट्ट चित्र के बारे में। तो हाँ जी अभी अपने आगे, हाँ ये उसकी और मैं शुरुआत पाम लेक कैसे को, हुई हाँ जी, पाम लेक को स्टार्ट करता हूँ, 1 सेकंड तक कोई अगर दिक्कत नहीं। आपके पास उसका कोई सैंपल है तो प्लीज आप दिखाइए एक बार, हाँ अभी 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 और दिखा, एक आप सेकंड जो बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बनेगा, मुझे आशा है कि थैंक हम यू देख पाएंगे उसको बाद थैंक में। यू थैंक यू, सपोर्ट जी रखेंगे बहुत ही सुंदर, मतलब छोटी छोटी पतली बारीक लाइन से पूरा चित्र कंप्लीट हो रहा है, और सबसे और ज्यादा पटचित्र। विशिष्टता सारे सब सब भारतीय पारंपरिक चित्र में अलग अलग साइज की लाइंस होती है, जो ये है मीडियम मीडियम साइज की थिकनेस होती है, जबकि जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उसमें बहुत ही लाइट पेंटिंग, बहुत ही थीन लाइनिंग्स होती है, और मधुबनी और अलग जो जो थोड़े ट्राइबल पेंटिंग्स है उसमें थोड़े से थिक लाइन होते हैं। तो लाइन का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे भारतीय परंपरागत चित्र शैली में। अच्छा सर, आप बताइए जगजीत जी, आप क्या बता रहे हो। जी मैं अभी एक दो चीज बता दूंगा और थोड़ा मेरा दिमाग में अभी आ रहा है, उसके बाद पाम लिप जी को स्विच ओवर करूंगा। जी जी मैं जरूर बता से रहा था कि जरूर कोई से न्यू कमर है हमारे पास, जो बाहर से इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं हमारे पास स्टे करके सीखते हैं, तो मैं बता कि अच्छा पटचित्र सीखने से सबसे पहले हमारा जो होता है स्केचिंग पार्ट। हाँ कोई भी सीखना चाहे तो स्केचिंग ऐसे सिखाया जाता है, आप दिख रहे होंगे हम कॉपी में कैसे सिखाते हैं लोगों को, अच्छा दिख रहे हैं? आप राउंड हाँ बना के एक, उसका फेस पर आप पूरा हाँ अलग शेप अलग लेते अलग हो। अलग अलग अलग, क्योंकि एक फिगर को एक साथ नहीं बने, लेकिन कोई भी चीजें अगर फेस फेस ये होता है थोड़ा लेटर पार्ट, लेकिन है अभी फेस बना एक एक फिगर बनाने हाथ से पहले, बनाए, हाँ पैर ये सब बनाए, अलग अलग हाँ ये सब सिखाए जी जाते हैं। और जी इससे पहले मैं और एक दिखाना चाहता हूँ, जो सबसे पहले हमारा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ है या कोई भी यंग यूथ है जो सीखेंगे पटचित्र, उनको पहले एनिमल्स एंड बार सिखाया जाता है। ये देखिए ओ, अब ये जैसा कि बहुत हमने सुंदर किसी का बहुत किसी ने सुंदर, सीखा था, तो हम जैसे कि उनको ये अभी स्टूडेंट का हम काम स्टूडेंट, है। ये स्टूडेंट का क्या मतलब है, जो 6 महीने साल हो गया उनको जैसे कि एक एक हमें अच्छा प्रैक्टिस कराया, अच्छा अच्छा तो ये हमें जी बताया कि ऐसे एनिमल्स एंड बार्स पहले सीखा जाते हैं और स्केचिंग होता है पहला पार्ट, उसके बाद धीरे धीरे पटचित्र को घुसते हैं, लेकिन पहले बार्स एंड अच्छा एनिमल्स को पटचित्र में सिखाया जाता है ना। जी। अच्छा एक ठीक और है चीज़ तो आप हमने, बताइए। हाँ 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 जी जी, इसमें शेडिंग नहीं होता, ये मैंने देखा कुछ कुछ लोग शेडिंग करते हैं थोड़ा ब्यूटी बढ़ाने के लिए, बाकी ज्यादातर भारतीय परंपरागत चित्र शैली में शेडिंग का इतना नहीं, यस नहीं नहीं आपने होता, पूरा सही ज्यादातर बोला, प्लेन पूरा होता है, यस पूरा सही बोला आपने। शेडिंग जो और होता है उसका ये अभी डेप्थ जो जो है, होता है, हाँ उसका यस डेप्थ लाइन से हम बताते हैं ज्यादातर। यस हाँ यस तो आप यस यस बताइए शेडिंग। नहीं शेडिंग को क्या ना, देखिए कोई भी चीजें हैं हम पारंपरिक में शेडिंग नहीं होते हैं। अभी अभी यहाँ पे जी मैं रखे हैं कोई भी पटचित्र, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे कुछ प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, अभी इसको रख दिखा देता हूँ, फिर हम पाम लिप को जाएंगे एक एक करके, एक एक खोला। अब देखिए एक एक करके हमको ये कर रहे हैं, अभी ये लॉर्ड गणेश का है ना, जी अभी देखिए इसमें ये सब पारंपरिक में दिखा रहा हूँ, ज्यादातर इसमें शेडिंग बहुत नहीं होती सुंदर है, बहुत सुंदर, ये सिर्फ ब्लैक काली एंड दवा व्हाइट में इतना सुंदर पेंटिंग है, इतना है, ये काली डिटेल्स दवा और है। पूरा बॉर्डर्स और सब इतना डिटेल्स में। और ये जो है हमारा इधर नागा बोलते हैं हमारा विलेज डांस जो होता है ना, अच्छा हाँ ये मैंने पहली दशहरा बार में, हाँ देखा नागा जी। इसको डांस बोलते हैं, हर विलेज में ऐसे एक आदमी को अच्छा ऐसे डेकोरम किया जाता है, और ऐसे ये अच्छा रियल ये रियल रियल चीज है, ये अभी भी चल रहा है हर अच्छा दशहरा में हमारे विलेज में, और एक आदमी को और इसको ऐसे ड्रेस कोडिंग कस्ट्यूम करके डांस कराया जाता है भगवान के सामने। गर्व अब होता है भारत की पूरी परंपरा और संस्कृति के हाँ लिए कि हाँ जी जिसमें और इतनी विविधता है, ये कृष्णा का स्टोरी है, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का कृष्णा बहुत का स्टोरी है, महीम हाँ है, बीच में कालिया दमन दिख रहा है, हाँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो जन्म से लेके उनके पूरे सारे जो लीला है
वो सब इसके अंदर एक एक करके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। ये एक एक इसका साइज कितना होगा ब्लॉक का? ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच। ये तकरीबन 1.5 इंच में बना है। ये बड़ा इंट्रिकेट ओ काम है और माय गुडनेस। यस, जो अभी अभी पेंटिंग अभी दिखा था डेमो में और राधा कृष्ण का, उसी साइज में पूरा हाँ स्टोरी जी। बना है, जो जो 3 फुट में, 3 फुट में पेंटिंग में बनना चाहिए। ओ उसको ओ काफी लोगों को चाहिए कि हमें थोड़ा मिनिएचर वर्क, तो ये थोड़ा बहुत टाइम टेकन है और बहुत सभी लोग सुंदर, नहीं बना बहुत पाते। सुंदर थैंक यू, थैंक यू। जी जी अजीत जी, अभी हम तालपत्र चित्र पे जाएंगे क्योंकि अपने पास बातें बहुत है पर समय भी कम है, तो अपने सारी चीजें कवर हो सके इसके लिए सब विषय को अपने ले लेंगे। मैं अभी तालपत्र दिखाता हूँ। उसके बाद आपके सब आर्टिकल्स भी आप तैयार रखिए, केटल्स वगैरह, तो वो भी हम दिखा पाए। एक सेकंड ये मैं दिखाता पाम हूँ। लीफ पे एंग्रेविंग करके, और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी अजीत जी आप बता दीजिएगा कि कैसे बनता हाँ है, मैं वो बता दूंगा। सिर्फ दिखा दीजिएगा क्योंकि हाँ जी, हाँ ये पाम लीफ है यह इनका। हमारे भारत का गौरव है, तो हमको इसके बारे में जानने का अधिकार भी है और इसको बारे में जानने की जिज्ञासा भी है जी। ये पूरा पाम लीफ थोड़ा है। सा जूम कर दीजिए प्लीज। इसको हाँ जी, ऐसे हाँ ऐसे ही रखते हैं क्या, पलटी मार के, मतलब जैसे आपने अभी निकाला खोल के? अच्छा, जी, ये ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे हैंगिंग होता है, ऐसे ही और ये पाम लीफ को ऐसे सुखा के बनाते हैं? सूखा के बनाते हैं, ड्राई अच्छा करके, ठीक ठीक है। है ना। ये तो इसके रामायण है, लीव्स पूरा है वो ज्वाइंट करके पूरा बनाया, रामायण की पूरी कथा है इसके अंदर पीछे जॉइंट किया गया है, एक एक लीफ को जी। धागे में जॉइंट किया गया। देखिए, एक एक लीफ को पैसे, क्योंकि गॉड, ये गॉड गिफ्टेड है, हर एक क्लिप जो है ये ऐसे एक बहुत एक का खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये और पाम लीफ का। डिफिकल्ट भी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आप और इसके एक ये इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखा दीजिए कैसे होते हैं इंस्ट्रूमेंट इसके इसके। इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड कर, मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। কানে যেটা চিকন কল হয়তো শুনবে, এটা ধরছে, এটা খোলো নি, একটু কেন দেখে মোবাইলটা দেখে এখন দেখি। इसको ऐसे बांध के ही रखा जाता है, जब भी लगाना हो तो फ्रेम होता है या फ्रेम के बगैर लगाते हैं? हाँ बोलिए, एक अजीत सेकंड। जी, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ वन सेकंड प्लीज। हाँ जी बोलिए। ये जो है, ये जो जी, जिसको ये इसको बोलते फ्रेम करके लगाते हैं या ऐसे ही लगा देते हैं खोल के हैं, और इसके इसके इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये वाला, जी? ये इसके सॉ नीडल्स बोलते हैं ना? ये नीडल्स, इसको हमारे इधर लेखनी बोलते हैं, उड़िया लैंग्वेज में लेखन, लेखनी, अच्छा, लेखनी हमारे उड़िया लैंग्वेज में लेखनी बोलते हैं। पहले उसको ऐसे ग्रेव करते हैं, इनग्रेव करते हैं ना, उसके हाँ, बाद पहले उसके खुदाई ऊपर होते, कलर हाँ लगाते हैं। हाँ 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 पहले खुदाई होते हैं, और इसके बाद खर खुदाई खुदाई होने के बाद, हाँ, इसमें जो 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 खुदाई हो जाएगा दोनों उसके पार्ट उसके एक ही ऊपर, दिखेंगे। इसके खुदाई होने के बाद ये जो काला कलर इसमें भर दिया जाएगा, काला कलर। अच्छा हाँ, हाँ जी, बराबर। और इसको ऐसे खुला ही लगा देते हैं कि फ्रेम करते हैं? नहीं, आप खुला भी लगा सकते हैं और फ्रेम भी करा सकते हैं। अच्छा, पर मतलब प्रिजर्व रहता है ना लंबा टाइम तक, वो खराब नहीं होता? हाँ, ये 200-300 ये का भी पट्टचित्र काम खराब होता होते ही नहीं है ना कभी भी, उसका कलर है। जिस तरह से लेते हैं और आप जिस तरह से उसको पूरा ये करते हो, प्रोसेस करते हो, अपना जो पट्टचित्र भी है अजीत जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, आपका हेलो, आपका ये लाइव चला गया? हाँ, आपका चला गया। एक सेकंड, एक सेकंड, देख रहा हूँ, वीडियो नहीं आ रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ। एक सेकंड,
मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ मैं थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ, उड़ीसा पट्टचित्र हाँ के हाँ बारे में। श्योर 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 श्योर। जैसे जगन्नाथपुरी में जब ये पेंटिंग बनना शुरू हुआ, ये जो चित्र बनना शुरू हुआ, तब जो चित्रकार थे उनको बहुत ही ज्यादा उनको कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था जब ये चित्र बनाते थे। तो वो टाइम पे उनको जैसे कंपलसरी ये पेंटिंग बनाते टाइम मांसाहारी खाना त्याग देना पड़ता था, सब शाकाहारी खाना ही खाना पड़ता था। और जब भी बनाने के लिए बैठते थे तभी वो पूरा नहा धो के स्नान करके पवित्र होके बैठते थे, और पीछे चैंटिंग चलता था ये भगवान जगन्नाथ जी के मंदिरों का, और उसके साथ साथ वो लोग पेंटिंग बनाते। तो ये एक बहुत ही पवित्र पेंटिंग कहलाए जाते हैं, और इनको घर पे रखना इतना शुभ है कि मतलब सारे गणपति जी के और सब जो उनके पूरे अलग अलग अंग भंगी है उसके देखने में भी सुंदर लगते हैं। और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये जगन्नाथ जी का पेंटिंग है जो हम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसमें सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी जो काले रंग के वो जगन्नाथ जी है, सुभद्रा जी और बलभद्र जी है, और दोनों साइड पे पट्टी में आप जो देख पा रहे हो वो दशावतार है, जो विष्णु भगवान के 200 जो अवतार है उनके बारे में पूरा बताया गया है। देख रहा, तो चेक कर रहा ये हूँ। चित्र पट्ट चित्र में ये बहुत ही ज्यादा ये थीम ली जाती है दशावतार की, क्योंकि जगन्नाथ जी के साथ जो शुरू हुआ पेंटिंग है, जगन्नाथ जी खुद विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के जो बाकी अवतारों हैं उनके बारे में बताने का भी बहुत जरूरी है। तो दशावतार सारे पट्ट चित्र में बहुत ही कॉमन थीम है। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, चेक कर ये रहा हूँ। एक और बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जिसमें अभी तो हम स्क्रीन पे इतनी बारीकी देख नहीं पा रहे हैं, परंतु ये इनकी चित्र शैली का परंपरागत है, जिसमें बीच में एक बड़ा फिगर रखा जाता है जो कि कृष्ण के लीला के ऊपर होता है, और बाकी छोटे छोटे राउंड्स के अंदर अलग 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 प्रसंग जो कृष्ण जी के हैं वो दिखाए जाते हैं। ये पूरा ज्यादातर ये सारे स्क्रॉल पेंटिंग है। स्क्रॉल पेंटिंग का मतलब यही रहता है कि बड़े से पट्ट पे सारी कहानी लिखी जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो वसुदेव जी नाग के साथ कृष्ण जी को लेके जा रहे उल्टा हैं, कर दे, उल्टा कर, उल्टा कर दे। और ये जो कृष्ण जी का पूरा बचपन में जो अलग अलग राक्षस आए थे उनके साथ उनका युद्ध बताया जा रहा है, और साथ में कहीं पे भी दशावतार का भी पूरा पेंटिंग होता है। तो ये इनका बहुत ही पारंपरिक चित्र है, बहुत ही सुंदर भी दिखता है, और घर में रखना उसके उसके लिए शुभ भी माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की पूरे जीवन की लीला इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, हेलो, ये भी बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। जी अजीत जी, आपका हो गया हाँ रिस्टोर? हाँ मैं अभी आपका क्या वीडियो करूँ नहीं आ अभी रहा भी। है। हाँ वही है, वीडियो क्या बैटरी कम दी, ओके, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं पता, आप ओके एक बार ओके लॉग आउट अभी, होकर लॉग इन होना ट्राई करो ना, तो आपके ओके आर्टिकल्स भी हम ओके देख ओके पाए। ओके 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 हाँ लॉग आउट होकर लॉग इन हो आप एक बार ओके वापस, ओके ओके है ना। और ये भी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, पूरा पूरा दिख नहीं रहा है जी। जब श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे हैं तब सब गोपियां उनको रोक रही है, रथ में बैठे हुए हैं, राधा उनको रोक रही है, ऐसा कुछ पेंटिंग है। ये भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, थोड़ा जूम। ये भी श्री कृष्ण जी के है, पर इसकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ दो रंगों में बना हुआ है। दो रंगों में भी चित्र को इतना सुंदर बनाना आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, जैसे आप मैंने अभी बताया आपको कि दशावतार ये की बहुत ही कॉमन थीम है, अलग अलग छोटे छोटे हाँ आ गया, अलग अलग छोटे छोटे कैमरा ब्लॉक्स के अंदर हाँ दस कैमरा अवतार पूरे उनके छोटी छोटी पेंटिंग्स।
और ये यहाँ पे कृष्ण जी गोवर्धन को उठाए हुए बैठे हुए हैं। ओके अभी आप आ जाओ स्वाइप। अजीत जी आप तलपत्र चित्र हाँ दिखाओ और आप अपने आर्टिकल सब दिखा दो एक के बाद एक, हाँ जी हाँ जो जी आप हाँ जी हाँ जी पट्ट चित्र के अलावा आप जो जो और आर्टिकल्स हाँ बनाते जी हो जैसे पेपर मेशी हाँ के जी आर्टिकल और जो टॉयज खिलौने होते हैं, फिर धूप बत्ती के जो हाँ जी स्टैंड होते हैं और ओके केटल्स होती हैं, सबसे खूबसूरत केटल्स होती है इनकी, जिसमें इतने हाँ सुंदर चटकीले कलर्स होते हैं। और ये ज्यादातर सब ये एक्रिलिक आपको पे दिख रहा बनती है, होगी ना, तलपत्र चित्र दिख रहा है। ये एक्रिलिक कलर्स मतलब इसके ऊपर यूज होता है। हाँ ये केटल्स पे ना। ये अलग अलग पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट शिव पार्वती जी का है। शिव पार्वती जी का गणपति जी का ये श्री कृष्ण की लीला है, साथ में गोपियां नृत्य कर रही है श्री कृष्ण और राधा जी के साथ। ये तिरुपति का है, तिरुपति जी का। तो जैसे इन्होंने बताया कि एक ही विषय पे वो लोग नहीं चित्र बनाते, अलग अलग विषय, अलग अलग हमारे भारतीय परंपरा में अलग अलग स्टेट के अंदर एक ही भगवान अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। जैसे कि गुजरात में डाकोर जी की तरह, तो राजस्थान श्रीनाथ जी, फिर यहाँ पे जगन्नाथ जी उड़ीसा में, इस तरह से भगवान हेलो कृष्ण के भी अलग अलग स्वरूप है और पूजा के भी अलग अलग स्वरूप है। हाँ अभी कैटल्स आ दिख गया रहे आप। हाँ कैटल्स दिखाइए उठा के। हाँ रहे उठा के दिखाइए आप प्लीज। हाँ थोड़ा उसके बारीक वर्क दिखाइए। तो इतना सुंदर और महीन काम है जिसके अंदर पूरा, जैसे ये अलग विषय है, जैसे इसके अंदर सब छोटे पंछी पंछी दिखाई दे रहे हैं, मोर है, तोता है, और पूरा बहुत सुंदर रंग का बनाया हुआ है। बहुत ही बेसिक चीज में से बनाया है पर कितना सुंदर है। घर पे अगर रखा हो शोकेस के अंदर तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो उसके अलावा ये दूसरा है जिसमें जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है जिसके अंदर उनका चेहरा और उसके आजू बाजू लोटस का ये पद्मावेश है, पद्मावेश, पद्मवेश, हाँ जगन्नाथ जी लोटस का लोटस कस्टम, पद्मवेश। लोटस जी कस्टम, जी जी हाँ जी जैसे कि आपका ये फोन एक वाइड आर्टिकल, एंगल वाइड में करिए, वाइड एंगल एंगल में, करिए, वाइड एंगल। ओके 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 ठीक हाँ है अभी ठीक है, देखिए अच्छा वो मुखौटी अभी दिखाइए, फेस दिखाइए। फिर दिखाओ गणपति जी वो जो गणपति जी का फेस है ना। जी का। अच्छा हाँ ये पेपर मेसी से बना हुआ है क्या डब्बा? पेपर माची, हाँ जी तो वेस्टेज में से भी हम कुछ ना कुछ बना देंगे। ये भी पेपर मेशी का है जी गणपति जी का, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। ये क्या साइज होगा इसका? ये 6 इंच, 6 इंच अच्छा ये जो है वो सारे आर्टिकल्स आप एक्रिलिक पे बनाते हो है ना? ये वाटर कलर, सोनी वाटर कलर, ओके वाटर वाटर कलर, कलर ये में। वाटर कलर, जो वाटर कलर ये है ना, अच्छा अच्छा
उसमें ये वाटर कलर, वो कल्चरल ये कलर्स। एक्रिलिक कलर, अच्छा और ये पेपर मैचिंग बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स। ओ, पेपर मेसी से बना हुआ है पूरा। पेपर मैचिंग गिफ्ट बॉक्स। अच्छा, और कोई आर्टिकल? और दिखा दो, एक सेकंड खोल वो कर। साड़ी दुपट्टा वो सब आप बनाते हो ना, अब वो वो तो हाँ दिखाई एक बार। वो दिखा दे, कैनल देखा कौन कोई मतलब इन द हॉलीवुड कैनल, वो दिखा दूँ आपको। यानी पूरे फोकस करना मतलब ये बॉडी दिख जैसे रही। साड़ी पे भी, हाँ ये साड़ी पे दुपट्टे पे काम किया हुआ है, हाँ हाँ तो साड़ी अभी पे हमारे जो आर्टिस्ट का काम है वो सारा इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ही प्रचलित है और लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे आर्टिस्ट का काम। हेलो, हाँ ये जी, दुपट्टा, दुपट्टा हाँ जी जी दिख रहे, जी ये राधा कृष्ण का दुपट्टा, राधा कृष्ण का दोनों, हाँ दोनों तरफ, दोनों जी तरफ जी ये टसर में, कपड़ा टसर में बना है, कॉटन का लिया। अच्छा, टसर में लिया, टसर क्लॉथ, टसर टसर क्लॉथ क्लॉथ। ठीक है है ना। जी ऐसे जी ऐसे ये इसी कंधर तरह एलिफेंट, से, कंधर एलिफेंट हाँ दिखा दूँ। जी, जो मैंने कंदर पहाड़ी के बारे में बहुत ही डिटेल बताया था वो चित्र देखने लायक है। आंखों ये के लिए कंदर भी वो हाथी, एक ट्रीट है कंदर पहाड़ी। इसमें हाथी का तो शरीर है पर वो शरीर के अंदर बहुत सारी सुंदर स्त्रियां छुपी हुई है, जिससे कि जिसको मिला के ये हाथी का शेप बनता है। अब ये प्लीज कंदर थोड़ा हाथी, सी स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट करिए। हाँ बस, ये सब छोटी छोटी जो उसके अंदर आकृतियां हैं पूरा मिलके पूरा हाथी का बॉडी बनता है। ये कंदर भाती जी हो हाँ गया। जी, और ये ट्राइबल है, ये नॉन माइथोलॉजिकल, जो जो लोगों को हमारा ये इंडियन माइथोलॉजी पसंद नहीं है, हमारे हाँ जी नॉन हिंदू या फॉरेनर लोग, वो ऐसे ट्राइबल सौर आठ हाँ, सौराठ कुछ इसका नहीं भी कर हम सकते। अलग से लेंगे एक बार, ठीक है, सौराठ का भी, बट बहुत और सुंदर है, साड़ी दिखा, बहुत ही साड़ी ज्यादा। दिखा देता हूँ मैं, साड़ी दिखा देता हूँ लास्ट साड़ी। हाँ आप एक बार साड़ी दिखा दो, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यस यस बहुत यस, बहुत ये हमारा, धन्यवाद आपका, और आपने आके हमारे ये साथ थैंक इतनी बातें करी। यू, ये हमारा जो साड़ी है लाट, अभी अभी डिस्पैच होगा मुंबई को। अच्छा, ये साड़ी तैयार होने में कितना समय लग जाता है? ये तकरीबन महीना लग जाता है, दिख एक महीना? रहा है, ये देख, ये देखा, बहुत देखा ना, खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बॉर्डर देखिए, बॉर्डर ये पूरा इनोवेशन है हमारे कारीगरों का कि वो किसी भी चीज पे अपना पेंटिंग की कला दिखा सकते हैं, और उनका और इसका वेरिएशन बॉडी, भी बहुत ही सुंदर है। इसका बॉडी देखिए, बॉडी साड़ी जी का बॉडी, बॉडी बहुत सुंदर। ये बॉडी पक्का ठीक देखा। है अजीत जी, आप इसके ऊपर क्या छोटी छोटी सब अलग अलग नृत्यांगनाएं हैं बराबर? हाँ देवदासी, जिनको देवदासी बोलते हैं, देवदासी डांसिंग जी गर्ल्स, देवदासी, डांसिंग यस गर्ल्स। ओके ठीक ठीक है अजीत है, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत थैंक ही वक्त निकाला और यू। बहुत ही तकलीफ ली हमारे लिए, और नहीं, हमें इतना तकलीफ सुंदर नहीं है, दिखाया। आप थोड़ा तकलीफ अपना नहीं दो है। हाँ वाक्य अजीत जी, आप अपने थोड़े दो जी, सेंटेंस अपने जो संस्था है जहां से आप ये सब हम लोग खरीद सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हाँ जी, बताइए, दो सेंटेंस। देखिए, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है आपने बोला। ये हमारा संस्था है डेडिकेटेड टू पीपुल एनजीओ। हाँ, ये 2004 अच्छा में रजिस्टर्ड है, तो इसका जो मेन मोटो है कि हम जो ग्रास रूट लेवल पे विलेज में हम लोग थोड़ा इंक्वायरी करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, है कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम जिनको सपोर्ट चाहिए, और जो 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 लोग मतलब काम हकीकत में कर पाते हैं, और हमारे पास उनको हम देखते हैं, बुलाते हैं, और उनको भी घर में कुछ काम एक्स्ट्रा राइट रात में करने के लिए अलर्ट करते हैं, अलग अलग विलेज में, माने मोर देन 40-50 विलेज में हम लोग काम करते हैं। अच्छा अजीत जी, रघुराजपुर में कितने आर्टिस्ट होंगे? हाँ यहाँ पे तो घर है 100 ज्यादा फैमिलीज है, लेकिन आज के डेट में जैसे कि ये थोड़ा स्कैटर्ड हो गया, मतलब
बहुत सारे लोग बहुत विलेज में अभी सरकार भी ट्रेनिंग देता है स्टाइपेंड देके लोगों को, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो लोग जो सीख सकते हैं, कोई केटल बनाना सीख सकता है, कोई पेपर माची सीख सकता है, तो हमारे अच्छा गवर्नमेंट भी सिखाते हैं, हम लोग प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में जो लोग भुवनेश्वर या कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनको फ्री में हम अच्छा लोग ब्रशेस कलर सब फ्री में देके हमारा स्टूडियो में बहुत सुंदर और बहुत प्रोडक्शन में सुंदर सिखाते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा अजीत जी, हम आपकी अभी परवानगी लेते हैं हाँ और जी, थैंक यू, हम थैंक वापस फिर से यू, मिलेंगे सौरा आर्ट के लिए भी, तो आप प्लीज जरूर उसका भी थोड़ा हाँ हमें टाइम दे दीजिए। जरूर, नमस्कार थैंक यू वेरी मच, नमस्कार नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। और यहीं पे हम हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, परंतु ये कला ऐसी है कि जिसके बारे में पूरी तरह से बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर थोड़ा समय हमें तो कम लगा, क्योंकि इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आपने खुद भी देखा हमारी भारतीय परंपरागत चित्र शैली के कितने सुंदर सुंदर आर्टिकल्स होते हैं, और अपने घर के अंदर अगर हम सजावट के लिए बाहर के देशों से चीजें ला सकते हैं, तो अपने खुद के देशों देश से ही भी ये सब लाके हम अपने घर को सजा सकते हैं और अपने कारीगरों को काम दे सकते हैं, उनको रोजी दे सकते हैं। तो यही चीज हमारे मुकुटे के जो ये कार्यक्रम है उसका मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आर्टिस्ट लोगों को हम प्रोत्साहन दे, उनको मोटिवेशन दे और उनको उनको लोगों के सामने लाए, जैसे लोग ये चित्र के बारे में नहीं जाने, ये हमारी भी कमजोरी है और उनकी भी कमजोरी है। ये चित्र के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी मेहनत करके ये लोग खुद पट्ट बनाते हैं, खुद कलर बनाते हैं और खुद बनाते हैं पूरा पेंटिंग। इतनी मेहनत करके छोटी छोटी इसके अंदर बारियों को डाल के, बारीकियों को डाल के और सालों तक मेहनत करके वो एक आर्टिस्ट बनते हैं, तो इनको प्रोत्साहन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं आपकी रजा लेती हूँ। नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, सैटरडे 5 to 6।